सावन मास के दूसरे सोमवार को शिवालयों में भोलेनाथ के जयकारे गूंजे। राजधानी रायपुर के तमाम मंदिरों में कोरोना काल से जलाभिषेक की अनुमति नहीं दी गई। वहीं राजधानी के कुछ मंदिरों में भक्तों को गर्भगृह में प्रवेश दिया जा रहा है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के बीच भगवान शिव की पूजा पाठ की जा रही है। शिवालयों में भारी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में नजर आ रहे हैं। हालांकि मंदिर में प्रसाद और पंचामृत देने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। हमने ये सब सुविधाएं रख छोड़ी थी, हाथ दिलाना, डिस्टेंसिंग वगैरह करना और अंदर भी एक ही जोड़ा जाना, ये सब पहले भी कर रखे थे। अभी भीड़ आएगी, धीरे धीरे बढ़ेगी भीड़, है ना। प्रसाद की बिल्कुल बंद है प्रसाद। यहाँ आ रही हूँ, हर साल यहाँ पर तो बहुत ज्यादा भीड़ रहती थी, इस पर कोरोना वायरस के कारण कम आ रहे हैं और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ज़्यादा पालन किया जा रहा है। मैंने सबको मास्क लगाने की अनुमति दे दी गई है, डिस्टेंस मेंटेन करने की अनुमति दे दी गई है, तो ये सब चीज़ हम लोगों को खुद को फॉलो करना चाहिए ताकि ये कोरोना जल्दी से जल्दी चला जाए। आज सावन महीने का दूसरा सोमवार है। आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर शिव मंदिर में मौजूद हैं। यहाँ पर जो पूजा अर्चना की जा रही है वो बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग के बीच में की जा रही है। यहाँ पर दो से तीन लोगों के बीच में ही यहाँ पर पूजा अर्चना की हिदायत जो है वो दी जा रही है। साथ ही अगर इससे ज्यादा अगर कोई आता है तो उसे यहाँ बाहर में इस तरह किस तरीके से इंतजार करना पड़ता है। तो यहाँ पर इस तरह का नजारा है। कुछ मंदिर ऐसे हैं रायपुर में जहाँ पर भगवान शिव के गर्भगृह में प्रवेश निषेध कर दिया गया है, तो वहीं कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जहाँ पर भक्तों की आस्था को देखते हुए मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति तो दी गई है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना जरूरी है और साथ ही सभी को मास्क लगाना भी जरूरी है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो व्यवस्था है वो की गई है। यहाँ पर लगातार पंडित भी यहाँ पर मौजूद हैं। अगर कोई ज्यादा संख्या में भीड़ बढ़ाता है तो उसे यहाँ पर रोका जाता है। और आपको बता दें कि इस बार प्रसाद और पंचामृत जो है वो भक्तों को नहीं मिलेगा। कैमरामैन रविंद्र नागलकर के साथ सुप्रिया पांडे, स्वराज एक्सप्रेस रायपुर। बुलेटिन बताएं, कुछ और खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।